नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और आज पांचवा चरण, जिसको लेकर सुबह 7 बजे से बंपर वोटिंग की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। सभी मतदाता घरों से निकल चुके हैं मतदान करने के लिए। आपको बता दें कि 12 जिलों की 61 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। एक खासा उत्साह जो है वो मतदाताओं में साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की जो चुनावी कवरेज है वो लगातार जारी है। ऐसे में अलग अलग सीटों से जो तमाम संवाददाता है वो मेरे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि 61 सीटों पर 692 उम्मीदवार मैदान में है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और 6 बजे तक मतदान होगा। प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी जिलों में आज वोटिंग हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त कर दी गई है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे बूथ है जो पूरी तरह से संवेदनशील है। तो मेरे सहयोगी फारिक अहमद सुल्तानपुर से और शुभम मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का मैं रुख करूंगी, शुभम के पास जाऊंगी। शुभम, आप प्रदेश की राजधानी में मौजूद हैं, अगर आसपास के जिलों की हम बात करें तो कैसी तस्वीर देखने के लिए मिल रही है सुबह से? क्या मतदाताओं में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आज पांचवें चरण का मतदान जो है शुरू हो गया है। लगभग 7 बजे से जो जो 12 जिलों में मतदान हो रहा है, लगातार 7 बजे से तस्वीरें आ रही हैं कि शुरू हो चुका है। उसी के साथ कहा जा सकता है जो 61 विधानसभा सीटें हैं वहां पर जो समय से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से मतदान शुरू हुआ है, अब 9 बजने वाला है। 9 बजे के बाद जो है जो निर्वाचन विभाग है उसकी तरफ से साफ तस्वीरें की जाएंगी कि आखिरकार जो मतदान कितने प्रतिशत पड़ा है और क्या परिणाम है। और कहा जा सकता है कि जब प्रतिशत सामने आएंगे तो जाहिर सी बात, 2 घंटे का जब प्रतिशत सामने आता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जो वोट बैंक है, जो वोट प्रतिशत है, कितना क्या जाएगा। क्योंकि शाम के 6 बजे की अगर हम बात करते हैं तो लगभग पूरा जो 2-2 घंटे के बाद जो निर्वाचन विभाग देता है डिटेल, कह सकते हैं कि उसमें साफ तरीके से जो अपडेट है वो आती रहती है, जिसके जरिए जो दर्शक हैं उनके पास जो है सारी पल पल की अपडेट जो है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से पहुंचती रहती है। अगर हम बात करते हैं आसपास के जिलों की, तो कहा जा सकता है कि हमारे सहयोगी जो है हिमांशु अयोध्या में मौजूद है। अयोध्या में उनकी तरफ से बताया गया कि लगातार जो 7 बजे से मतदान है वो शुरू हो चुका है। और साफ कह सकते हैं अगर रायबरेली की बात करते हैं, रायबरेली में भी 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। उसी के साथ अमेठी की बात करते हैं तो हर जगह पे 7 बजे के आसपास मतदान शुरू हो गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब 9 बजे की अपडेट आएगी तो ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत की जो गिनती है वो पता चल पाएगी आखिरकार कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। बिल्कुल शुभम, अगर हम लखनऊ से सटे प्रयागराज की बात करें, अयोध्या की बात करें, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर किसके बीच देखने के लिए मिल रही है? क्योंकि चौथे चरण में हमने देखा था कि अच्छा खासा वोटिंग परसेंट जो है हमें सुबह से ही बढ़ोतरी उसमें देखने के लिए मिल रही थी। हालांकि शाम तक 60% तक मतदान हुआ, जो कि उससे पहले चरणों में भी हमने देखा है। इस बार क्या लग रहा है, जनता जागरूक है, बंपर वोटिंग की तस्वीरें हमारे सामने आ सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल साफ कह सकते हैं संगम नगरी प्रयागराज जो है पूरी तरीके से इस बार जो प्रत्याशी हैं लगातार अपने दावेदारी कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्रियों की साख भी इस बार चुनाव में चुनावी दांव में लगी है। कह सकते हैं जो सिथूर है वहां से, कौशाम्बी जिले से सितूर है, वहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की साख दांव पे लगी। अब देखना ये होगा कि दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार जो मतदाता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो ईवीएम में किसकी किस्मत कैद करते हैं। और प्रयागराज की अगर बात करते हो तो प्रयागराज में पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अब जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। उसी के साथ साफ कहा जा सकता, शुभम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है,
चलिए ठीक है शुभम का मैं रुक करूंगी, उसके बाद अब फरीद अहमद भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, सुल्तानपुर से है। फरीद, सुल्तानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ कैसी तस्वीर सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है, मतदाताओं की लंबी कतारें क्या दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, 7 बजे सुबह ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपको मैं दिखा दूं कि पीछे कि लाइनें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 7 बजे से लगभग 8:30 बजने को है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े भारी पैमाने पे फिलहाल जो शुरुआती वोट का परसेंटेज रहता है 12 बजे तक का, उसमें लग रहा है कि वोट का परसेंटेज काफी हद तक बढ़ेगा। जी बिल्कुल, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं सुल्तानपुर में जिसको लेकर मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप भी सुबह से वहां पर मौजूद है 7 बजे से, कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, अब अगर मुद्दों की बात करूँ तो हमारे सुल्तानपुर जिले में विकास, सुल्तानपुर क्या या उत्तर प्रदेश की पूरी बात करें तो विकास मुख्य मुद्दा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये समस्याएं मेन है। सुल्तानपुर जिला अवध से सटा हुआ जिला है, यहाँ पे चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और प्रदेश में सरकार रही है, तो लोगों को उम्मीद थी कि उस लेवल पे काम होगा, हालांकि ग्राउंड लेवल पे उतना काम दिखाई नहीं पड़ा। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि मुद्दे वही हैं जो हमने पिछले 4 चरणों में देखे हैं। जनता रोजगार चाहती है, जनता अपने क्षेत्र का विकास चाहती है, लेकिन अगर हम सुल्तानपुर की बात करें तो क्या मौजूदा विधायक से आम जनता खुश है? आपको पहले शो में कहा भी था कि यहाँ सुल्तानपुर की 5 विधानसभा में 4 पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था और 1 पे समाजवादी पार्टी ने, और जो जहाँ मैं अभी सुल्तानपुर शहर की सीट पर खड़ा हूँ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बदलकर नए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ कमियां रही होंगी तभी भारतीय जनता पार्टी ने ये बदलाव किया, और अगल की कारी को सुरक्षित विधानसभा है वहां से भी प्रत्याशी को बदल कर, सॉरी करिएगा, जयसिंह को विधानसभा है वहां से भी प्रत्याशी को बदल दिया गया, वहां के प्रत्याशी को लंबुआ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है और लंबुआ जयसिंहपुर सदर से राजबाबू उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि ये निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से उम्मीदवार है। बिल्कुल, और हिमांशु भी अयोध्या से मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अयोध्या की हम बात करें तो सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश भर की निगाहें जो है वो इस सीट पर बनी हुई थी। पहले चर्चा चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ से वेद प्रकाश को मैदान में उतारा गया है, क्या लग रहा है, जनता खुश है प्रत्याशी से? बिल्कुल, पूर्व में भी वेद प्रकाश ने एक बार जीत हासिल कर चुके हैं, 2017 में जब योगी लहर आई थी तो जीत हासिल कर चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का चुनाव है और ये 12 जिलों के 61 विधानसभा में मतदान किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज से लेकर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या तक भी आज मतदान हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद अयोध्या नगरी के कॉलेज में, जहां पर आप देखते हैं सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। यहां पर मतदान में भारी संख्या में लोग उपस्थित होकर मतदान करने आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी काफी पुलिस बल भी तैनात किया गया, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और समय से मतदान चालू हो चुका है, पूरे जिले में मतदान लगातार चालू हो रहा है। बिल्कुल हिमांशु, इसके अलावा जो मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं उनके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ज्यादातर तो अभी तक मुद्दे जितने भी हैं मतदाताओं के सब विकास को लेकर के, क्योंकि विकास कहीं ना कहीं अयोध्या श्री राम मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर तो निर्माण हो रहा है, लेकिन अगर वहीं सड़कें और विकास और गड्ढों की बात की जाए तो वो अभी भी वैसे ही की वैसे ही, क्योंकि मुख्य जो रोडे हैं, जो मुख्य मार्ग है उनको तो विकास कर दिया गया, लेकिन जो और पिछले इलाके जो गली है, जो गले कुछ वहां पर गड्ढा अभी भी बहुत है और वहां पर का विकास अभी भी बहुत पीछे है। अभी देखने वाली बात होगी कि इस बार विधानसभा में कौन जीत हासिल करता है और कौन इस बार अयोध्या का ताज पहन का अयोध्या के विकास के लिए करेगा। बिल्कुल, 2017 में क्योंकि अयोध्या पर जो सीट जीती गई थी वो भाजपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर जो है वो सपा और भाजपा के बीच देखने के लिए मिल रही है, क्या अयोध्या में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है? बिल्कुल है, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं बात करने के लिए, मैं उनसे भी बात करूंगा और जानूंगा किस मुद्दे को लेकर इस बार आपने उन्होंने मतदान किया है और क्या कुछ मांगे हैं और आने वाले टाइम में जो विधायक बनेगा उससे क्या कुछ प्रमुख मांगे रहेंगी कि विकास को लेकर के किस तरह से है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या है, क्या नाम है आपका? आज हम मतदान करने आए, क्या कुछ मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं? क्या मुद्दा करते हैं? भगवान के अलावा उनका मुद्दा लेते हैं। वही अगर विकास की बात कीजिए, भगवान का नाम अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पूर्व आकर के
महान जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था, उसके बाद विजय रथ यात्रा शुरू की थी। विजय प्राप्त कर रहे हैं भगवान पर, आप मतदान से भगवान के नाम पर दे रहे हैं, तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा ये अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी कही जाती है। यहाँ पर जो मतदान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम पर हो रहा है। प्रभु श्री राम के नाम पर क्या सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट डल रहा है, या जो वहाँ के मुद्दे हैं वाकई विकास को लेकर या सड़कों को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों के मुद्दे, ये भी अहम है? नहीं, विकास और अहम मुद्दा तो रहेगा रहेगा, रोजगार, लेकिन उसके आगे कहीं ना कहीं अयोध्या पावन नगरी कही जाती है प्रभु श्री राम की। यहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम पर ज्यादा वोट पड़ने की उम्मीद है, और भी मेरे कई मतदाता है, मैं उनसे भी बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि किस मुद्दे को लेकर के आप इस बार अपना वोट करने आए। सबसे पहले आप एक बहुत बहुत बधाई, आप सुबह सुबह वोट डालने आए, क्या नाम है आपका जी? आज आप मतदान करने आए, क्या कुछ मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं? मुद्दा तो यही है, भरण पोषण कर दो जाकर नाम भरत सोई, कि सबको रोजगार मिले, रोजगार की जब श्रृंखला बनेगी तभी रोजगार मिलेगा, सीमित तो रोजगार है, जब रोजगार की श्रृंखला बनेगी तभी होगा मिलेगा, और नवयुवा वर्ग रोजगार चाहता है, सबको शिक्षा, समय पर दवा मिले, शासन प्रशासन में छूट रहे, सबकी सुने, सबकी दुख दर्द को समझें, गलत प्रकार की जो है उनके धाराएं नहीं लगाई जाए, छोटे बड़े का विचार रहे, यही हम लोगों की मांग है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए इन लोगों से आपने बातचीत की है, जिन मतदाताओं से बातचीत की, और शायद कुछ कहना भी चाह रहे हैं अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग कहते हैं धंधा, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बड़ी बड़ी वो खुलवाते हैं, दारू की फैक्ट्री, और जो नदी के किनारे बेचारे महुआ के गुड़ से बनाते हैं उनकी हल्दी खुलवाते हैं, और कहेंगे स्वरोजगार, जो अपने बर्दम पर उतरते हैं और ये सिपाही बेचारे उनको परेशान करते हैं। ये प्रभु श्री राम की पावन नगरी है, तो इसमें भगवान के नाम पर भी यहाँ पे मतदान होगा? और कुआ, ये दोनों चले, भगवान तो सबसे प्रमुख है, भगवान गैयों के कसैयों के है, या राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो दुकानी, उचा की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तुम जैसी, भगवान शंकर ने कहा करे करामे भंजय सोई उमा राम गत लखन। अगर यहाँ की विकास की बात की जाए तो कितने प्रतिशत विकास जो मौजूदा विधायक उन्होंने किया, या किस बार जो मौजूदा विधायक उनके कार्यों से क्या कितना खुश है? बिल्कुल हिमांशु, इसके बाद जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं उनसे भी जरा पूछेगा, क्योंकि अयोध्या की अगर हम बात करें तो संवेदनशील ये पूरा क्षेत्र बताया जाता है। जिनका रोड पर रोजी रोटी करते रहे, पकौड़ी बेचते रहे या कुछ करते रहे, उनके मकान तकान छूट गए, समय पर किराएदार 10-10 रुपया वाले किराएदार रहे, उनके मकान तकान टूट गए वे दुखी है, और जो रोड पर है जिनके किराए भाड़े हैं वो दुखी है। बिल्कुल साफ तौर पर इन्होंने बताया कि इन्होंने जो मतदान किया वो अपने रोजगार। ठीक है हिमांशु, मैं रुक करूंगी अभी आपका। सुल्तानपुर से फरीद अहमद भी लगातार मेरे साथ बने हुए, कुछ सुरक्षा कर्मी उनके पीछे मौजूद थे, और फरीद उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि तस्वीरें हमने चार चरणों में देखी है, कई जगह से हिंसक तस्वीर तो नहीं आई, लेकिन कई जगह पर आरोप लगाए गए कि ईवीएम खराब हो गई है, ईवीएम को वहां पर हैक करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ वहां से कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही थी, क्या ऐसी कोई तस्वीर सुल्तानपुर से सामने आ रही है? जी मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकती है कि पुलिस पोस्ट लगी हुई है, अंदर भी पुलिस पोस्ट के इंतजाम है, बाहर भी पुलिस पोस्ट लगाई गई है, लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना या कोई ईवीएम मशीन खराबी की कोई बात सामने नहीं आई है। शुरुआत में कुछ जगहों पर मशीनों में टेक्निकल प्रॉब्लम हल्की फुल्की आई थी, इसको दुरुस्त कर लिया गया, फिलहाल चुनाव मतदान पूरी तरह से निर्बाध तरीके से चल रहा है। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि व्यवस्था पर्याप्त है। चलिए ठीक है फरीद, आपका रुख करूंगी, हिमांशु के पास मैं जाऊंगी, क्योंकि अयोध्या सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अयोध्या सीट मानी जाती है। हिमांशु, आप लगातार वहां के मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि राम के नाम पर हम वोट डाल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था जो है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उससे ग्रामीण जो क्षेत्र है वो वंचित है। क्या आपके आसपास भी सुरक्षा कर्मी मौजूद है, उनसे बातचीत हो सकती है हिमांशु? बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा कर्मी मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि किस तरह से किस मुद्दे को लेकर, ये संवेदनशील इलाका कहा जाता है, इस बार इसमें कितनी सिक्योरिटी लगाई गई है, क्या कुछ लगाया गया है।
बाइक नहीं खाली बोल, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया गया है? हमारे यहाँ अयोध्या विधानसभा में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी किसी भी प्रकार के कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ मतदाता भी अभी आएंगे जो मतदान करने गए हुए, वो आएंगे, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि इस बार पावन नगरी जो अयोध्या जो विकास को लेकर मुद्दे होकर उनको वोट दिए जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम पे वोट दिए जाएंगे। और दिखाइए वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, लगातार मेरे सहयोगी हिमांशु बने हुए हैं अयोध्या से, जो एक एक तस्वीर है पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, महिला मतदाता है, ठीक है, बात करिए इनसे। मैम सबसे पहले तो आपको बधाई, आप जागरूक नागरिक है, आप मतदान करने आई, आप एक गृहिणी है, तो इस बार आप किस मुद्दे को लेकर वोट करने आई है यहाँ पे? सब चीज के मुद्दे कहेंगे, जैसे अपने यहाँ बहुत विकास हुआ है अयोध्या में, हमारा हमको हक है कि हम अपने इच्छा अनुसार नेता चुने। नहीं, अगर विकास की बात की जाए तो मुख्य सड़कें तो विकास में हो गई, लेकिन अगर गली कुछ जहाँ पे आप ये सामने पार्क पड़े, इस मार्ग के आगे काफी गड्ढे और काफी कुछ देखने को मिला है। हमारे मोहल्ले में कुछ एकदम गड्ढे हैं, कोई विकास नहीं हुआ हमारे मोहल्ले में, रायगंज वार्ड में। राम मंदिर को लेकर कितनी खुश है महिलाएं अयोध्या की? वो तो हमारा हक है नेता चुनने का। नहीं, वो तो अलग है, अगर राम मंदिर की बात की है तो आप इस बार कितना खुश है राम मंदिर को लेकर के? वो तो खुशी की बात तो है ही नहीं, विकास हो रहा है। बिल्कुल, राम मंदिर के नाम पे तो खुश है, लेकिन विकास के नाम पे वोट जरूर करने आई, लेकिन कुछ जगह पे अयोध्या में अभी भी विकास नहीं हो पाया। मुख्य मार्ग, मुख्य सड़कें तो विकास हो चुका है, लेकिन जो पिछड़ी सड़कें जो वार्ड है वहाँ पे अभी भी सही से साफ सफाई भी नहीं होती और ना ही विकास किया गया है। हिमांशु, जो अयोध्या के मुद्दे है सबसे ज्यादा कौन से ऐसे है जिससे आम जनता त्रस्त है? बिल्कुल, रोजगार और विकास, क्योंकि रोजगार और विकास काफी बड़ा मुद्दा है। इस बार पांचवें चरण हो या कोई भी चरण का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव के लिए रोजगार और विकास एक बड़ा मुद्दा आया है, और यहाँ भी देखने को ज्यादातर मिल रहा है कि विकास और रोजगार के लिए लोग मतदान करने आ रहे हैं, लेकिन जहाँ प्रभु श्री राम की बात आती है वहां पर रोजगार और विकास छोड़ करके लोग पहले प्रभु श्री राम के चंडों में पहले या प्रभु श्री राम के नाम पर मतदान कर रहे हैं। अभी और भी मेरे साथ मतदाता है, मैं उनसे भी बात करूंगा और जानूंगा कि इस बार वो किस मुद्दे को लेकर के मतदान कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, इनके आने से विकास हुआ है, जिससे पहले मिट्टी का बर्तन ये सब तो नहीं दिखता था, इनके आने से ये सब चीज दिखने लगा है। तो क्या आप कुल्हड़ की मिट्टी ये सब भी बनाते हैं? अब ज्यादा, पहले से ज्यादा सेल। अगर वही राम मंदिर की बात की जाए, जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, लोगों की जो भक्त हैं वो उनकी श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी बढ़ रही है, और जिस हिसाब से बढ़ रही है उस रोजगार भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जब आए थे कुल्हड़ का डिमांड ज्यादा होता है, हम सबको अभी रोजगार आपके कहने से आपको रोजगार मिल रहा है, काफी श्रद्धालु आ रहे जिनसे आपकी आजीविका भी चल रही है, लेकिन वही अगर विकास की बात की जाए तो क्या कहेंगे? आधा रोड बन चुका है, रोड इसलिए नहीं मरम्मत हो रही क्योंकि कई दाग पड़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा भी कोई भी कार थोड़ा समय तो लगेगा, अभी रोड बना करते जाएंगे फिर वो तोड़ा जाएगा, तो इसीलिए थोड़े थोड़े काम हो रहा है, विकास तो हो ही रहा है। तो बिल्कुल साफ तौर पे इन्होंने बताया कि विकास हो रहा है, साथ ही साथ इनके रोजगार में भी काफी इजाफा मिला है। जो प्रधानमंत्री जी की अपील थी स्वराज योजना, जो इन्होंने स्वराज योजना, जो मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे वो लगातार बिक रहे हैं, इससे इनका काफी इजाफा हुआ, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण के बाद बढ़ी है, और हजारों संख्या में श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने आते हैं, जिससे इनकी खरीदारी करते हैं, जिससे इनकी सेल भी बढ़ रही है और आजीविका बढ़ रही है। बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, और जो भी अपडेट है, जो भी बड़ी जानकारी मिल रही है वो लगातार पहुंचाते रहिए। मैं आपका रुख करूंगी अब से कुछ ही देर में, फरीद अहमद सुल्तानपुर से बने हुए मेरे सहयोगी, उनका मैं रुख करूंगी।